Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the Euglena viridis. Euglena viridis की complete study को दो parts में divide किया गया है, जिसमें ये video आपका part 1 है, जिसमें हम इसकी complete structure को देखेंगे, इसके अलावा locomotion को हम इसमें study करेंगे. Euglena आपका जो है protozoan से related होता है. Protozoa को जो classify किया है वो locomotory organelles के बेस पे classify किया हुआ है, ठीक है. तो Euglena आपके प्रोटोजोआ का जो सब फाइलम है, दैट इज द सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसमें आते हैं. देन इनका क्लास जो है मेस्टिगोफोरा, एंड सब क्लासेस जो है दैट इज द फाइटोमेस्टिगोफोरा. तो फाइटोमेस्टिगोफोरा मीन्स फाइटो स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट. इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होता है. मेस्टिक जो होते हैं, मेस्टिक नीम से रिलेटेड होता है, जो कि लोकोमोशन से रिलेटेड होता है, फ्लैजेला से रिलेटेड होता है. देखिए प्रोटोजोआ जो है, इसको हमने प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है. तो यहाँ पे जो लोकोमोशन लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, ये फ्लैजेला होते हैं, और न्यूट्रिशन जो होता है यहाँ पे मिक्सोटाइपिक होता है, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हिटरोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही वर्क कर पाता है. जब डे टाइम होता है, जब डार्कनेस होती है, तो क्लोरोप्लास्ट वर्क नहीं कर पाता है, और उस वक्त जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इन कैरेक्टर्स के बेस पे, इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं जिनके बेस पे इन्हें हम प्लांट्स और एनिमल्स के कनेक्टिंग लिंक कहते हैं. तो Euglena viridis जो है ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजलेट्स होते हैं. इट इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, डिचेस, स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स. इट इज फाउंड इन अबंडेंस वेयर देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेजिटेशन जो होती है, ये प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो Euglena जो है ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इलांगेटेड होते हैं. एंटीरियर एंड कैसा होता है, इनका ब्लंट होता है, एंड मिडिल पार्ट जो होता है वो वाइडर होता है, वाले पोस्टीरियर एंड होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. साइज की अगर हम बात करते हैं, तो Euglena viridis इज अबाउट 40 to 60 माइक्रन इन लेंथ, एंड 14 to 20 माइक्रन इन ब्रेथ एट द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इनकी स्पेशलिटी एक ये भी होती है कि इनका डेफिनेट शेप होता है. वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेलिकल. इनमें पेलिकल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका शेप जो होता है वो एक डेफिनेट होता है. जैसे अमीबा है, उसका शेप डेफिनेट नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पेलिकल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है. तो पेलिकल जो होती है, इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. बोथ द लेयर्स ऑफ पेलिकल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, बट ओनली द एपिक्यूटिकल एंड इन टू द एंटीरियर एंड प्लेस्ड साइटोफेरिंग्स एंड रिजर्वर. इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये कैसा आपको स्पिंडल शेप नजर आ रहा है, जिसमें दोनों एंड जो है वो कैसे इनके नैरो हैं, जबकि बीच वाला एंड जो है वो कैसा इनका ब्रॉड है. इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, एंटीरियर एंड में फ्लैजेला आपको नजर आ रही है. फ्लैजेला जहां से ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम क्या करें, साइटोफेरिंग्स, ठीक है. तो माउथ साइटोस्टोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, साइटोफेरिंग्स फेरिंग्स या इनके एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में प्रेजेंट है. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और डाइजेशन से भी रिलेटेड नहीं होती, जस्ट फूड के रिजर्वर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. फूड को रिजर्व करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है, ठीक है. किसी तरह का कोई डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. तो साइटोस्टोम एंड साइटोफेरिंग्स. साइटोफेरिंग्स में आपको फ्लैजेला नजर आ रही है, एक शॉर्ट फ्लैजेलम नजर आ रही है. इसके अलावा एक लॉन्ग फ्लैजेलम है, या जो कि लोकोमोशन होता है. मेन लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो है वो इसकी कैसी होती है, लॉन्ग फ्लैजेलम है, और ये लॉन्ग फ्लैजेलम जो है ये साइटोफेरिंग्स से रिलेटेड है. जो फ्लैजेलम है, इसका ओरिजिन बेसिकली किससे होता है, ब्लेफेरोप्लास्ट से होता है, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे पैराफ्लैजेलर बॉडीज प्रेजेंट होती है, एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है. तो पैराफ्लैजेलर बॉडी एंड स्टिग्मा, ये दोनों आपके रिलेटेड होते हैं किससे, ये दोनों ही आपके फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि लाइट के लिए इनके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आ रही है, एंटीरियर एंड में ही साइटोफेरिंग्स के पास, जिसमें कि आपके लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है. तो लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती है, ये रेड कलर का आपको बड़ा नजर आ रहा है. इसके अलावा स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज रिलेटेड विद द ऑस्मोरेगुलेशन. जो एनिमल है, एनिमल जो फ्रेश वाटर में होते हैं, उनकी बॉडी की ऑस्मोरेलिटी जो होती है, उसकी इनकी बॉडी की जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं. न्यूक्लियस आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस होता है मोस्टली पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमेटिन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा एक फीचर आप देख सकते हैं यहाँ पे,
साइटोप्लाज्म जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये एक्सटीरियर पे प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्म जो होता है वो इंटरनल प्रेजेंट होता है। तो एक्टोप्लाज्म कैसा होता है, क्लियर होता है, किसी भी तरह के कोई ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्म जो होता है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सभी साइटोप्लाज्मिक जो फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। साइटोफेरिंग्स एंड साइटोस्टोम। एट द इंटीरियर एंड ऑफ द फनल शेप्ड साइटोस्टोम और सेल माउथ स्लाइटली टू वन साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है। साइटोस्टोम लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर साइटोफेरिंग्स और गलट। तो साइटोस्टोम माउथ के इक्वलेंट है एंड साइटोफेरिंग्स जो है ये गलट के इक्वलेंट है। इन टर्न जॉइन द लार्ज स्पेरिकल वेसिकल्स रिजर्वॉयर और ऑफ द फ्लैजुलर सैक। The cytostome and cytopharynx are not used for the ingestion of the food, but as a canal for escape of fluid from the reservoir, ठीक है? तो जस्ट एक रिजर्वर की तरह वर्क करते हैं ये। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ए लार्ज ऑस्मोरेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स लाइज नियर द रिजर्वर ऑन वन साइड। इट इज सराउंडेड बाय द सेवरल माइन्यूट एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स विच प्रोबेबली फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म द लार्ज वेसिकल्स। तो स्मॉल वेसाइकल्स जो होते हैं ये मिलकर के एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स डिस्चार्जेस द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म इन टू द रिजर्वर from where it goes out through the cytostome. Large flagellum, a single long whip-like flagellum emerges out of the cytostome through cytopharynx. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लार्ज फ्लैजलम है जो कि साइटोफेरिंग से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। द लेंथ ऑफ द फ्लैजलम डिफर इन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ यूग्लिना, बट इन यूग्लिना विरिडिस इट इज अ लॉन्ग एज द बॉडी ऑफ द एनिमल क्यूल, ठीक है। तो फ्लैजलम का साइज जो होता है, बेसिक लोकोमोटरी ऑर्गेनल फ्लैजलम है तो इसका साइज जो होती है उसके लोकोमोशन से रिलेटेड है। The flagellum consists of an outer contractile protoplasmic sheath and an inner elastic axial filament. इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं फ्लैजेला की, तो फ्लैजेलम आपको कैसे नजर आता है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। आउटर शीट है, इनर शीट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि सेंट्रल फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि इनर शीट के थ्रू कवर्ड है। पेरिफेरल में दो फाइबर्स, दो फाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फाइब्रल्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल जो होता है बेसिकली लोकोमोशन से रिलेटेड होता है। स्टिग्मा, नियर द इनर एंड ऑफ द साइटोफेरिंग्स क्लोज टू द रिजर्वर ऑफ ए रेड स्पॉट और स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। ये आपके लिपिड ड्रॉपलेट की बनी हुई होती है जो कि बेसिकली रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें हिमेटोक्रोम प्रेजेंट होता है और ये आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देती है, ठीक है। स्टिग्मा जो होते हैं ये आपके सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिविटी में स्टिग्मा जो होता है आपका मेन रोल प्ले करता है। प्लेरा फ्लैजेलर बॉडी और फोटो रिसेप्टर, तो पैराफ्लैजेलर बॉडी जो होती है स्मॉल स्वेलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसमें आप देख सकते हैं द पैराफ्लैजेलर बॉडी सेंसिटिव टू लाइट एंड इट इज रिगार्डेड टू द फोटो रिसेप्टर्स। रिसेंट स्टडीज साइटोप्लाज्म को अगर हम देखेंगे तो यूग्लिना में जो साइटोप्लाज्म है ये आपके दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है थिन क्लियर एंड नॉन ग्रेनुलर होता है, जबकि एंडोप्लाज्म कैसा होता है, फ्लूड लाइक होता है, ग्रेनुलर होता है। एंडोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर एंड पैरामाइलम बॉडी। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो यूग्लिना में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज होता है, राउंडेड एंड ओवल एंड वेसाइकुलर न्यूक्लियस लाइंग इन डेफिनेट पोजिशन यूजली नियर द सेंटर टूवर्ड्स द पोजिशन ऑफ पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। देर इज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मैमब्रेन, द न्यूक्लियस कंटेन ए सेंट्रल बॉडी नोन एज एंडोसोम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एक एंडोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन फॉर्म्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मैमब्रेन एंड द एंडोसोम्स। देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी में पूरे में रेडिएटिंग प्रेजेंट होती है, रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि कैसे होते हैं, इलोंगेटेड क्रोमेटोफोर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमेटोफोर कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी अलॉन्ग विद द बीटा कैरेटेनॉइड एंड आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यूग्लिना विरिडिस डिराइव्स इट्स ग्रीन कलर क्योंकि इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड इन ए स्टेलर फैशन और लाइक द रेज ऑफ द स्टार्स। ईच क्रोमेटोफोर और क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन सेंट्रल पार्ट नोन एज पायरिनोफोर्स, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरेनोइड प्रेजेंट है, पैरामाइलम प्रेजेंट है, और क्रोमेटोफोर जो होता है पूरी बॉडी में रेडिएटेड होता है, और क्रोमेटोफोर की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ईच थैलेकॉर्ड बियर्स थ्री लैमेली, द थैलेकॉर्ड आर प्लेस्ड इन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो कंटेन राइबोसोम और फ्लैट ग्लोब्यूल्स। इसके आप यहाँ देख सकते हैं पैरामाइलम बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड पैरामाइलम जो होती है ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। पॉलीसेकेराइड लेकिन ट्रू पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रू पॉलीसेकेराइड की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देती है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर नहीं दिया जाता। अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे गॉल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो होते हैं राइबोसोम्स, ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बाकी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकोमोशन, तो यूग्लिना में जो बेसिकली लोकोमोशन होता है दो तरह का होता है, फ्लेजलर मूवमेंट एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लेजलर मूवमेंट जो होता है फ्लेजला की वजह से प्रेजेंट होता है, जिसमें कि फ्रॉम टिप टू बेस मूवमेंट होती है, अंडुलेशन मूवमेंट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ए जो है यहाँ पे रिकवरी स्ट्रोक को शो कर रहा है, जबकि बी फॉर्म जो होता है ये आपके इफेक्टिव स्ट्रोक को शो कर रहा होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, आपके नीचे से फ्लैजेलम वापस से अपनी पोजीशन पे आती है, जिसकी वजह से यूग्लिना आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम जब बोटिंग करते हैं तो जो जो जब हम वो चप्पू जो होता है जिसको हम चलाते हैं, तो जब वो पीछे की तरफ जाता है तो हम क्या होता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फेज होता है वो रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक का होता है। एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे एटीपी के थ्रू हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, यहाँ पे ब्लेब्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट जो कि स्पेसिफिकली यूग्लिना में प्रेजेंट होती है, ये बॉडी की शॉर्टनिंग की वजह से होती है। तो बॉडी जो होता है वो ये 1 to 5 जो स्टेजेस हैं उसमें धीरे धीरे शॉर्ट होकर के वापस से अपनी नॉर्मल ओरिजिन प्लेस को गेन करता है। ए पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन पासेस ओवर द एंटायर बॉडी फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड एनिमल मूव्स फॉरवर्ड, द बॉडी बिकम शॉर्टर एंड वाइडर फर्स्ट एट द एंटीरियर एंड देन इन द मिडिल एंड लेटर इन द पोस्टीरियर एंड। तो इस तरह से यूग्लिनॉइड मूवमेंट जो कि पर्टिकुलरली यूग्लिना से रिलेटेड होती है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट बाय विच स्लो and limited movement occur. Euglenoid movement are brought about by the contraction of cytoplasm or by the contraction of myonemes. तो myonemes जो होती है वो basically contractile structure होती है, जिस तरह से muscles हम लोगों में होती है उसी तरह से myonemes euglena में होती है, और इन myonemes की वजह से ही इसमें movement show होती है. So this is all about the structure and locomotion of the euglena. Thank you.